नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये वीडियो वैक्सीनेशन से संबंधित है। वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीनेशन करवाने के बाद जब आपको COVID-19 वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है, सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे या बिना सर्टिफिकेट के आप कैसे अपना टीकाकरण किसी और को बता पाएंगे। सबसे पहली बात कि वैक्सीनेशन का टीकाकरण किसी को बताने की आवश्यकता क्या है। तो दोस्तों, आने वाले समय में चूँकि सभी लोगों द्वारा वैक्सीन नहीं लगवाई जा रही है, इसलिए गवर्नमेंट द्वारा कुछ ऐसा किया जाएगा। आने वाले समय में सभी प्राइवेट या सरकारी संस्थाएं हो सकता है आपसे आपके वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगे और उसके बाद ही आपको अपनी संस्था में प्रवेश दें। कई जगह ऐसा हो सकता है आपको किसी दूसरे शहर ना जाने दिया जाए। अभी आपने देखा होगा, जैसे ही लॉकडाउन खुला है, वैसे ही कलेक्टर साहब के जो आदेश आए हैं हर ज़िले के, उसमें लिखा गया है स्पष्ट कि जो ग्रामीण लोग हैं, क्योंकि ग्रामीण लोगों में अधिकतर ये अफवाहें फैल रही है, तो ये वीडियो अधिकतर गांव के लोगों के लिए है, ग्रामीण लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो आजकल जो आदेश जारी हुए हैं अनलॉक के, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ग्रामीण लोगों को अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि उन्हें वैक्सीन लगी है या नहीं, तभी उन्हें शहर में एंट्री दी जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि आप बिना वैक्सीन लगाए शहर में घूम रहे हों आज, लेकिन जब आपको किसी अधिकारी ने चेक किया, पुलिस वाले ने पकड़ा, तो आपको उसे वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए IMP है। या तो आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए इस वीडियो को देखकर, या फिर आप अपने आरोग्य सेतु ऐप पर बिना प्रमाण पत्र डाउनलोड करे भी उन्हें दिखा सकते हैं। तो ये आज मैं आपको इस तरह का तरीका दिखाऊंगा। जिसे भी प्रमाण पत्र डाउनलोड करना नहीं आ रहा है, सर्टिफिकेट डाउनलोड जिससे नहीं हो रहा है वैक्सीन लगवाने के बाद, वो इस वीडियो को ध्यान से देखे। दो तरह से आप कर सकते हैं। पहला, आरोग्य सेतु ऐप से। अगर आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में नहीं है तो आप डाउनलोड करें, ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आरोग्य सेतु ऐप आपने डाउनलोड किया, उसके बाद यहाँ पर आपने रजिस्टर किया अपने मोबाइल नंबर से, OTP दिया। OTP देने के बाद आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ सबसे लास्ट में समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ जैसे ही आप आरोग्य सेतु के फ्रंट पेज पर आएंगे, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अपडेट वैक्सीनेशन स्टेटस, सबको दिखाई दे रहा होगा। तो वैक्सीनेशन स्टेटस यदि आप सर्टिफिकेट डाउनलोड किए बिना ही किसी को बताना चाहते हैं कि मैंने वैक्सीन लगवा लिए, तो आप इस बटन पर क्लिक करके एक OTP आपसे मांगा जाएगा और यहाँ पे आपको एक ब्लू टिक मिलेगा, ठीक है। यदि आपने दोनों वैक्सीन लगवा ली है तो आपको दो ब्लू टिक मिलेंगे। उसके बारे में, उसका जो पिक है वो मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ से आप बिना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर ही अपना वैक्सीनेशन स्टेटस दिखा सकते हैं और यहाँ पे फिर आपको उसका स्टेटस दिखाई देगा, ठीक है। अभी हम सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे होगा वो देख लेते हैं। इसके बाद आपको जाना है कोविन पर, और कोविन के बाद आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर जाना है। यहाँ पर आपके पास जो बेनिफिशियरी ID आपको दी गई थी शुरुआत में, या तो मैसेज के थ्रू दी गई थी या फिर आपको वहाँ से भी मैसेज द्वारा बताई जाती है, आपको आरोग्य सेतु ऐप में मिल सकती है। तो यहाँ आपको बेनिफिशियरी ID जो आपकी 14 अंक की रहती है वो डालनी है और गेट सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बेनिफिशियरी ID डाल के गेट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डाउनलोड PDF का ऑप्शन दिखाई देगा, आपका नाम भी दिखाई देगा। डाउनलोड PDF पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक, इस तरह से। तो इसको आप सेव कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हुआ आरोग्य सेतु ऐप से किस तरह से आपको डाउनलोड करना है आपका सर्टिफिकेट। लेकिन यदि आपके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है या आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, तो आप कोई वेब ब्राउज़र खोल सकते हैं, या मोबाइल पर या कंप्यूटर पर। वेब ब्राउज़र मतलब गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, जो भी ब्राउज़र आपके पास है वह आप खोलें और उस पर कोविन पोर्टल पर जाएं।
ठीक है, कोविन पोर्टल गवर्नमेंट का पोर्टल है, ध्यान रहे उसकी जो लिंक है वो सही से टाइप करें, kovin.gov.in, ये सबसे ज़्यादा सही है। इस तरह की फेक वेबसाइट भी चल रही है, इसलिए आपको ये वेबसाइट खोलनी है। ध्यान रहे इस तरह की वेबसाइट के बाद आपके पास सबसे पहले जो फ्रंट पेज पे ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, जैसे ही आपने सही वेबसाइट खोली है वैसे ही आपको ये फ्रंट पेज दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर और यहाँ पर इस तरह का होम पेज दिखाई देगा, तो ये वेबसाइट सही है। इसके बाद आपको रजिस्टर लॉगिन पर क्लिक करना है, मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी लेना है। ओटीपी जैसे ही आप इंटर करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने यदि एक डोज लगवाई है तो उसके सामने सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, दो डोज लगवाई है तो दूसरे डोज के सामने सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड होता दिखेगा और यहाँ पर आपका फाइनल सर्टिफिकेट आपको दिखाई देगा। ठीक, तो इस तरह से आप दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो आपके सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन हो गए, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम सर्टिफिकेट डाउनलोड किए बिना कैसे अपना स्टेटस दिखाएं किसी को, तो आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड तो करना ही होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, किस व्यक्ति का आप स्टेटस दिखाना चाहते हैं उससे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाएं, वहाँ पे अपडेट वैक्सीनेशन स्टेटस जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको जिस पर्सन का वैक्सीनेशन स्टेटस, अगर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप है और उससे आपने 3 से 4 लोगों का या 1 से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन किया है तो वहाँ पे आपको 1 से ज़्यादा नाम आएंगे, लेकिन यदि एक ही है तो आपको वहाँ पर उस पर क्लिक करना है, ओटीपी देना है। ओटीपी देने के बाद उस पर्सन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे जितने आपके वैक्सीन लगे होंगे, अगर एक वैक्सीन लगा होगा तो आपको एक ब्लूटूथ दिखाई देगा सामने, और यदि आपके 2 वैक्सीन लगे हैं तो आपको दोनों ब्लूटिक दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप आरोग्य सेतु ऐप जब भी खोलेंगे इसके बाद तो आपके सामने वहाँ पर एक टिक या 2 टिक नज़र आएंगे। और आने वाले समय में अभी से, वैसे तो अभी से कलेक्टर महोदय द्वारा जो प्रतिबंधात्मक नियम जारी किए गए हैं उसमें ग्रामीण लोगों के लिए स्पेशली ये वैक्सीन दिखाने को कहा गया है, लेकिन आने वाले समय में हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। हो सकता है आपको किसी भी जगह पर प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना हो, ये एक तरह से आपके आधार कार्ड और आईडी कार्ड जैसा रहेगा, तो इसलिए वैक्सीन लगवाएं और प्रमाण पत्र डाउनलोड करें या फिर इस तरह से आप अपना स्टेटस अपडेट करें। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, तो आप वैक्सीन लगवाइए और इस तरह से अपनी प्रोसेस पूरी कीजिए। कई सारे लोगों की शिकायतें थी कि उनसे वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।